हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम सैलर्स सेकंड टर्म डिस्कस करेंगे और सैलर्स से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? डबल कॉसेट्स। कॉसेट्स आप पढ़ चुके हो ग्रेजुएशन में, जहाँ पर हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा और उसी में आपका कॉसेट्स का टॉपिक आता है। आई होप आपको कॉसेट क्लियर है। अगर नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल कॉसेट्स क्या होता है? डबल कॉसेट स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, लेट एच के सबसेट्स ऑफ जी। एच और के हमारे पास दो सबसेट्स हैं, एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, एच के सबसेट्स ऑफ जी, ए बी एलिमेंट्स ऑफ जी। सो डिफाइन अ रिलेशन एंड दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है? ट्रांजिटिव, जो इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूव करते हो, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। अगर ये तीनों कंडीशंस को एग्जिस्ट करता है उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं ना। सो डिफाइन अ रिलेशन, ये जो रिलेशन गिवन है ये हम जी ग्रुप पर डिफाइन करेंगे, ऑन जी एज फॉलो कि ए इक्विवेलेंट होगा बी के इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के, सच दैट ए अगर बी के इक्विवेलेंट है, ए इक्विवेलेंट बी कब? जब एच एलिमेंट एच का है, के एलिमेंट के का है, देन वी कैन राइट ए इक्वल्स टू एच बी इंटू के। यहाँ पे के जो है हमने स्मॉल नंबर लेना है, व्हिच इज एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ जी। ठीक है, के का एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ए को इस फॉर्म में लिख सकूँ, एच इंटू बी इंटू के, तब हम कहेंगे कि ए बी के इक्विवेलेंट है। ऑल राइट, और ये हम लेकर चले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अगर ए बी के इक्विवेलेंट है इस फॉर्म में, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो इट डिवाइड्स जी इंटू disjoint union of equivalence class, कैसे डिफाइन करेंगे हम जी को? जो है वो डिवाइड कर सकते हैं हम यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास में। ओके, सो वेयर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए, ए एलिमेंट हमने जी का एलिमेंट लिया था, ठीक है, बिलोंग्स टू जी, इज गिवन बाय, कैसे डिफाइन करेंगे कि क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी, सच दैट ए इक्विवेलेंस हो एक्स के। ठीक है, क्लास ऑफ ए हमने कैसे डिफाइन करना है? एक्स नंबर जी का, जहां पे ए क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस होना चाहिए एक्स के। ओके, और जी को हम ले सकते हैं इन सभी क्लासेस के डिसजॉइंट क्लासेस के यूनियन के फॉर्म में। ओके, उसको हम आगे लिखेंगे, पहले क्लास ऑफ ए समझ लेते हैं। अभी ए अगर एक्स के इक्विवेलेंस है, सो बाय डेफिनेशन हमारे पास ये आया था डेफिनेशन से, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहां पर अगर मैं ये कहूं कि एक्स इक्विवेलेंस है ए के, सो बाय दिस डेफिनेशन जो हमने डिफाइन किया था, क्या आ जाएगा? If and only if x equals to h a into k, where h belongs to h and k belongs to k, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा this is, क्योंकि x इसमें जो element होंगे j के वो सारे a के equivalent होंगे, right? अगर a के equivalent है, so we can write h a k, where h belongs to h and k belongs to k, लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ
एच जो है वो हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एच सेट के, हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है के सेट के। तो इस सेट को अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूं, वी कैन राइट एच ए इंटू के। सो क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू एच ए इंटू के, राइट? दिस इज कॉल्ड क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू एच ए के, इस फॉर्म में हमने लिखा। दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं डबल कॉसेट्स, डबल कॉसेट्स ऑफ एच एंड के इन जी। क्लियर? तो ये डेफिनेशन होती है डबल कॉसेट्स की। अब आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, हमें इसका यूज करना है सैलोज सेकंड थ्योरम में। ओके, अभी हमने कहा था कि भाई जी को हम डिवाइड कर सकते हैं कैसे, यानी कि जी को हम लिख सकते हैं डिसजॉइंट यूनियंस ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। सो नाउ जी इक्वल्स टू यूनियन ऑफ, जो हमारे पास क्लासेस हैं डिसजॉइंट क्लासेस हैं, इन सब के यूनियन कर दे, क्लास ऑफ ए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो समेशन के फॉर्म में, या इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यूनियन ए। इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, एच ए इंटू के। एच और के यहाँ पे सबसेट है जी के, ए एलिमेंट है जी का। ऑल राइट, एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले देती हूँ, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करते हैं, क्या मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, जो हमारे पास आया है एच ए इंटू के। अगर मुझे ऑर्डर ऑफ जी फाइंड आउट करना है तो मुझे ऑर्डर ऑफ एच ए के निकालना पड़ेगा। इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम एक मैपिंग लेकर चलते हैं, डिफाइन अ मैपिंग, डिफाइन अ मैपिंग एफ फ्रॉम एच ए के टू एच ए के ए इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, ये डोमेन हमें लेना है, एक और डोमेन लेना है, राइट? डिफाइंड एज, ओपन कैसे करेंगे, डोमेन का नंबर किस फॉर्म का होगा, एच ए के फॉर्म का होगा। हमें किसका नंबर मिलेगा, कोडोमेन का, एच ए के ए इनवर्स। इस टाइप से हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, वेयर एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू। अब हमें इस मैपिंग को वेल डिफाइंड प्रूव करना है। ओके, टू प्रूव दिस मैपिंग एफ इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम इस मैपिंग, इस डोमेन के दो नंबर लेकर चलते हैं, उनको इक्वल लेंगे, और मैपिंग जो इनका फंक्शन है एफ ऑफ दिस, ये हम इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, यानी उनकी इमेज इक्वल हम प्रूव कर देंगे। सो लेट एच ए के एंड एच डैश ए के डैश बिलोंग्स टू डोमेन एच ए के, सच दैट एच ए के इक्वल्स टू एच डैश ए के डैश। हमने दो एलिमेंट इक्वल लिए डोमेन के, राइट? अब यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि एफ ऑफ एच ए के इक्वल आ जाए एफ ऑफ एच डैश ए के डैश के। ऑलराइट, अगर यहाँ पर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एच ए के ए इनवर्स इक्वल्स टू एच डैश ए के डैश ए इनवर्स, हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसको रिप्रेजेंट, यानी इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एच ए के, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे एच डैश के डैश है सो एफ ऑफ एच डैश ए के डैश लिख सकते हैं। सो हमने नंबर्स इक्वल लिए, इनकी इमेजेस इक्वल आ गई, सो देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड। ओके, अब हम इसको वन वन ऑन टू प्रूव करेंगे। क्यों प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर कोडोमेन जो हमने लिया है इसका ऑर्डर हम इजीली बता सकते हैं, और क्योंकि वन वन ऑन टू अगर मैपिंग है तो इसका ऑर्डर इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सो हम इजीली बता पाएंगे। ओके, तो मैं इसको रफ कर रही हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन हम सबसे ऊपर लिख देते हैं ताकि इसका हम बाद में यूज करेंगे तो हमें याद रहे। चलिए फिर नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं, एफ इज वन वन, एफ इज वन, ये हम क्यों प्रूव कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि इसको हमें आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है एफ को, ताकि इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए मैं इसकी हेल्प ले सकूं, और जो इसका ऑर्डर होगा वही इसकी इक्विवेलेंस हो जाएगा, और उसका जो हमारा कोडोमेन है उसका ऑर्डर हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभी देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एफ इज वन वन प्रूव करेंगे तो हम यहाँ पर मैपिंग जो
इमेजेस इक्वल लेकर चलते हैं, एफ ऑफ एच ए के, एच ए के इक्वल्स टू एफ ऑफ एच डैश ए के डैश, दो नंबर के हमने इमेजेस इक्वल लिए। अगर आपको वन वन प्रूव करना है तो हम इमेज इक्वल लेंगे, एलिमेंट इक्वल प्रूव करोगे। अगर आप वन वन प्रूव करने के लिए एलिमेंट का यूज पहले करते हैं तो हम वहां पर जैसे कि मैं यहाँ पे एन वन एन टू ले लेती हूँ, दो नंबर एन वन एन टू किसके, डोमेन के नंबर। तो अगर मैं एलिमेंट्स को पहले लेकर चलती हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि एन वन नॉट इक्वल्स टू एन एन टू, अगर मैं ये लेकर चलती हूँ तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एन वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एन टू। अगर आप एलिमेंट्स को लेकर चल रहे हो वन वन प्रूव करने के लिए तो नॉट इक्वल लेकर चलेंगे, अगर आप इमेज को इक्वल लेकर चल रहे हो यानी इमेज का यूज कर रहे हो तो आपको इमेजेस इक्वल लेने हैं, एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करना है। ओके, सो वेल डिफाइंड में और वन वन में ये डिफरेंस होता है। वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हमेशा हम इमेज जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल लेकर चलते हैं, लेकिन अगर आपको वन वन प्रूव करना है, आप एलिमेंट्स को लेकर चलना चाहते हैं तो आपको नॉट इक्वल्स टू लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि अगर यहाँ पे वन वन प्रूव करूँ तो एच ए के नॉट इक्वल्स टू एच डैश ए के डैश, और हम ये बताएंगे कि इसकी इमेज भी इक्वल नहीं है। समझ गए क्या डिफरेंस है? चलिए यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि इसके इमेजेस इक्वल है, ओपन कर अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मैपिंग, सो एच ए के ए इनवर्स इक्वल्स टू एच डैश ए के डैश ए इनवर्स, ए से जो है वो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, सो एच ए के इक्वल आ जाएगा एच डैश ए के डैश का। अगर आप मैपिंग इक्वल लेकर चल रहे हो तो वेल डिफाइंड और वन वन बिल्कुल अपोजिट प्रोसेसर होता है। ओके, तो एफ वन वन भी हो गया। एफ इज ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या प्रूव करेंगे हम? हम कोडोमेन का एक नंबर लेकर चलते हैं, एच ए के ए इनवर्स, ये नंबर किसका होगा? कोडोमेन का, एच ए के ए इनवर्स इस सेट का नंबर होगा, है ना, वेयर एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू ओ, सॉरी यहाँ पे कैपिटल के, के बिलोंग्स टू के, ये सेट है, यहाँ पे एलिमेंट हमने लिया इसलिए हमने बिलोंग्स का सिंबल अप्लाई किया, दिस इज एलिमेंट दिस इज अ सेट। अब यहाँ पे कहता है कि अगर हमने कोडोमेन का नंबर लिया है सो देयर एग्जिस्ट, एक डोमेन में ऐसा नंबर हम फाइंड आउट करें एच ए के बिलोंग्स टू, ये नंबर किसका है भाई? डोमेन का नंबर है। अगर मैं कोडोमेन का नंबर लेकर चल रही हूँ तो मेरे पास एक डोमेन में ऐसा नंबर आता है सच दैट अगर मैं इस पर मैपिंग अप्लाई करूँ एफ ऑफ एच ए के पर तो मुझे किसका नंबर मिलना चाहिए? कोडोमेन का। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ अकॉर्डिंग टू आवर मैपिंग तो मुझे क्या मिल रहा है? एच ए के ए इनवर्स विच इज नंबर ऑफ कोडोमेन, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। ओके, एफ हमारी वन वन हो गई, ऑन टू हो गई, दैट मीन्स दिस इज आइसोमॉर्फिक, सो वी कैन राइट एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एच ए के किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे कोडोमेन के, ऑर्डर ऑफ एच ए के ए इनवर्स, राइट। अब यहाँ पर दो सबसेट हैं जी ग्रुप के, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा बीएससी का रिजल्ट है, ऑर्डर ऑफ एच इनटू ऑर्डर ऑफ ए के ए इनवर्स डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स, लिख सकते हैं। अगर हमें बताना होता है ऑर्डर ऑफ एच इनटू के, सो हम लिखते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच into order of k divide by order of h intersection k, रिजल्ट पढ़ा था हमने बीएससी में, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिजल्ट और हम अप्लाई करेंगे, क्या कि order of a k a inverse equal होता है order of k, ये भी हमने पढ़ा था conjugate points जहाँ पर आए थे, तो इन दोनों का order हमारे पास equal होता है, यहाँ पर put कर लेते हैं, so this equals to order of h into order of k divide by order of h intersection a k a inverse, सही है। चलिए यहाँ तक हमने find out किया order of h a k का, अभी हमने कहा था कि g किसके equal है? union of h a k, अगर मैं order of g find out करूँ, now order of g तो किसके equal होगा? order of union of h a k, राइट। सो वी कैन राइट, यूनियन को समेशन में लिख सकते हैं, क्लास ऑफ ए
ऑर्डर ऑफ एच ए के वैल्यू पुट कर दो. समेशन ऑफ ऑल क्लास ऑफ ए ऑर्डर ऑफ एच इनटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए के ए इनवर्स. ये रिजल्ट आपको याद रखना है और इसको हमें यूज करना है सैलोस सेकेंड थ्योरम. अंडरस्टैंड? देखिए थ्योरम क्या कहती है. एनी टू सैलोस पी सब ग्रुप, टू सैलो पी सब ग्रुप हमें गिवन है ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी आर कंजुगेट इन जी. फाइनाइट ग्रुप जी के दो सैलो पी सब ग्रुप्स क्या होने चाहिए, कंजुगेट होने चाहिए जी में. ये हमें प्रूव करना है. जो प्रूव करना है वो देख लेते हैं. पी एंड क्यू ये मैं दो ले लेती हूँ, सैलो बी टू सैलो पी सब ग्रुप ऑफ जी. तो हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि पी एंड क्यू आर कंजुगेट इन जी. दैट मीन्स पी इक्वल्स टू जी क्यू जी इनवर्स फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी. ये हमें प्रूव करना है. अगर P और Q कंजुगेट होंगे तो ये कंडीशन हमारे पास होती है ना. तो इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज कर लेते हैं. एनी टू सैलो P सब ग्रुप बोला गया है, हम यहाँ पे लेकर चलेंगे. लेट पी क्यू बी सैलो P सब ग्रुप्स ऑफ G, देन P रेज टू पावर n हम ले लेते हैं. यहाँ पे p raised to power n divides g, but p raised to power n plus 1 does not divide g. किसकी डेफिनेशन थी? सैलो p सबग्रुप की. एंड ऑर्डर ऑफ p इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ q विच इक्वल्स टू p raised to power n. ये डेफिनेशन थी सैलो p सबग्रुप. ऑल राइट, यहाँ पर जो प्रूव करना है उसका ऑपोजिट हम लेकर चलेंगे. सपोज दैट, कंट्राडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं. सपोज दैट पी एंड क्यू आर नॉट कंजुगेट इन जी, सो देयरफॉर पी नॉट इक्वल्स टू जी क्यू जी इनवर्स इक्वल नहीं होगा फॉर एनी G belongs to G. All right. अभी हमने इससे पहले जो result prove किया था, हमने वहाँ पे लिखा था, अगर P और Q दो यहाँ पे subgroups हैं G के, तो subset भी होंगे, obviously, है ना? So, order of P X Q, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? Order of जैसे हमने अभी लिया था इससे पहले, H A K. All right. इसको हमने लिख दिया था ऑर्डर ऑफ पी इनटू ऑर्डर ऑफ क्यू डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स. ये लिया था, प्रूव किया था अभी अभी हमने. ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले. ऑलराइट, अब यहां पर जो आपके पास है हियर P इंटरसेक्शन X Q X इनवर्स, ये जो इंटरसेक्शन है दो सेट्स की, ये सबसेट होगी हमेशा P की, क्योंकि दो सेट्स के इंटरसेक्शन दोनों सेट्स की सबसेट होती है ना. लिख सकते हैं हम. सो देयर फॉर ऑर्डर ऑफ P, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ P इंटरसेक्शन X Q X इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ P. और ऑर्डर ऑफ पी कितना है? पी रेज टू पावर एन. मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, अगर इसका ऑर्डर इससे लेस है, सो लेट ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स पी रेज टू पावर एम, वेयर एम लेस देन इक्वल्स टू एन. क्लियर दैट? लेस देन इक्वल्स टू क्यू, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पी के इक्वल भी हो सकती है. अगर इक्वल होगी तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी. इसका ऑर्डर मैंने पी रेज टू पावर एम लिया है. ओके, अब यहां पर दो केसेस आते हैं. इफ m इक्वल्स टू n, अगर m n के इक्वल हो जाता है, देन अगर m की वैल्यू इसके इक्वल है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो गया. अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स p इंटरसेक्शन x q x इनवर्स किसके इक्वल आएगा?
पी के इक्वल आएगा. ऑल राइट. और अगर पी के इक्वल है दैट मीन्स इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है. अगर आप ए और बी की इंटरसेक्शन कर रहे हो और आपको ए सेट मिलता है इम्प्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी. लिख सकते हैं ना, इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर आएंगे. और अगर इंटरसेक्शन इक्वल है ए के, इसका मतलब बी सेट बड़ा है, इसे ए सबसेट होगा. इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट पी इज सबसेट ऑफ एक्स क्यू एक्स इनवर्स. क्लियर. अब यहाँ पर हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ पी ऑर्डर ऑफ क्यू है पी रेज टू पावर एन, दोनों का ऑर्डर इक्वल है. ओके, हियर ऑर्डर ऑफ एक्स क्यू एक्स इनवर्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ क्यू. क्लियर. एंड दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ पी. दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ एक्स क्यू एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ पी. देन वी कैन से दैट पी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू एक्स इनवर्स. क्लियर. अगर पी इक्वल आ गया एक्स क्यू एक्स इनवर्स के तो ये क्या बन गया हमारे पास, कंजुगेट हो गया. ये किसकी कंडीशन है, कंजुगेशन की कंडीशन है. इम्प्लाइज दैट पी एंड क्यू आर कंजुगेट, कंजुगेट इन जी. बट दिस इज कंट्राडिक्शन. क्यों? क्योंकि हमने तो सपोज किया था भाई कि पी और क्यू है ही नहीं कंजुगेट, राइट, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. और जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है आती है वो क्या प्रूव करती है कि हमारे अजम्पशन रॉन्ग है और पी और क्यू क्या हो जाएंगे, कंजुगेट हो जाएंगे. क्लियर. तो अगर मैंने लिया यहाँ पर m इक्वल्स टू n, हमारा रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो जाता है. ओके, अगर हम यहाँ पे लेकर चलते हैं सेकेंड केस में कि m नॉट इक्वल्स टू n, यानी कि दो ही कंडीशन हो सकती है यहाँ से, या तो m इक्वल होगा n के या फिर m लेस होगा n से. अब यहाँ पर हम लेकर चलते हैं इफ m इज लेस देन n, अगर m n से लेस है सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ, यहाँ से हमें जो ऑर्डर फाइंड आउट करना है p x q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू इज इक्वल्स टू. देखिए ध्यान से, ऑर्डर ऑफ पी क्या है, पी रेज टू पावर एन. ऑर्डर ऑफ क्यू, पी रेज टू पावर एन. पी इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स, हमने अभी क्या कहा, एम लेस है एन से. अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका ऑर्डर कितना है, पी रेज टू पावर एन. अगर इसका ऑर्डर पी से लेस है दैट मीन्स ये छोटा सेट होगा, किससे, पी से, यानी कि ये इसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, इक्वल नहीं हो सकता है. ओके, तो इसका ऑर्डर कितना लिया हमने, पी रेज टू पावर एम लिया है. वैल्यू पुट कर दीजिए, ये मेरे पास है ऑर्डर ऑफ पी इंटू ऑर्डर ऑफ क्यू डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स इक्वल्स टू, इसका ऑर्डर है पी रेज टू पावर एम एन, सॉरी क्यू का ऑर्डर है पी रेज टू पावर एन, और इस टर्म का ऑर्डर कितना है, इस सेट का ऑर्डर है पी रेज टू पावर एम. दिस इक्वल्स टू पी रेज टू पावर टू एन डिवाइड बाई पी रेज टू पावर एम एंड यू कैन राइट टू एन माइनस. क्लियर. तो ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू मेरे पास कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी रेज टू पावर टू एन माइनस एम. इसको मैंने लिख दिया पी रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू पी रेज टू पावर एन माइनस एन एम माइनस वन. इम्प्लाइज दैट p raise to power n plus 1 divide करेगा order of p x q को, क्योंकि ये multiple आ गया p n plus 1 का. and हमने result अभी इससे पहले जो किया था जब हमने double coset पढ़ा था कि order of g किसके equal है, order of p x q के equal. अगर p n plus 1 इसको divide करता है तो p n plus 1 divide करेगा order of g को भी, ठीक है. अगर पी एन प्लस वन डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने तो क्या कहा था कि पी एन डिवाइड करता है जी को, बट पी एन प्लस वन डजंट डिवाइड जी, विच इज कंट्राडिक्शन. तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल. और अगर ये पॉसिबल नहीं है सो दिस इज कंट्राडिक्शन, एंड दिस कंट्राडिक्शन प्रूव दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. अगेन पी एंड क्यू
जो हमारी अजम्पशन ली थी हमने कि कंजुगेट नहीं है, यहाँ पे क्या प्रूव करेगी कंट्राडिक्शन कि पी एंड क्यू आर कंजुगेट इन जी. क्लियर? तो ये हमारे पास थी सैलोज सेकंड थ्योरम. ओके, एंड सैलोज सेकंड थ्योरम जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सैलोज की तीनों ही थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है. अगर आपने इनके बेसिक्स को समझ लिया, कभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी मुझे ये कहने लगे कि मैम एमएससी मैथ्स जब हम करते हैं तो क्या हमें रट्टा लगाना पड़ेगा थ्योरम्स का? बिल्कुल भी नहीं लगाना. अगर हम थ्योरम्स को इस टाइप से एज अ स्टोरी हम लेकर चलेंगे तो कोई भी थ्योरम हो, जरूरी नहीं है कि बाय नेम थ्योरम्स की हम बात कर रहे हैं, कोई भी थ्योरम हो, कोई भी रिजल्ट आपके पास हो, आप इजीली उसको समझ सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं. क्लियर? तो रट्टा लगाने से बात नहीं बनने वाली है. जो रट्टा लगा लगा कर एग्जाम के लिए अपनी जो थ्योरम्स को तैयार करते हैं उनको ना तो नॉलेज मिलती है ना ही एग्जाम में प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट कर पाते हैं. सो हमेशा इनको अच्छे से समझिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, बार बार लिख कर देखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. अब आप सोच रहे हो कि हम तो बड़े हो गए हमें क्या ही जरूरत है, हमेशा प्रैक्टिस जो है वो मैथ्स की लिख कर की जाती है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय, टेक केयर. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू.